रिडॉक्स अभिक्रिया। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऑक्सीकरण और अवकरण, दो अलग अलग प्रक्रिया, ओके ना। ऐसा कोई रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण यानी अपचयन दोनों क्रिया एक ही साथ घटित हो जाता हो। बहुत रेयर ऐसा रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अवकरण भी होता हो, लेकिन अगर दोनों एक ही साथ होता हो तो उस क्रिया को बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया। ऐसा कोई समीकरण जिसके अंदर क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण भी होना चाहिए और अवकरण भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, तो उसे बोलेंगे हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अवकरण, अवकरण मतलब अपचयन, वही दोनों अभिक्रिया दोनों एक साथ घटित होता हो या दोनों अभिक्रिया एक साथ घटित होता हो, ओके, ऑक्सीकरण भी होता है और अवकरण भी, वो दोनों क्रिया जब एक साथ होता है उसे बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। यानी रिडॉक्स अभिक्रिया का समीकरण क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया बराबर ऑक्सीकरण प्लस अवकरण, क्योंकि ऑक्सीकरण भी होएगा और अवकरण भी होएगा, बराबर है। चलो मैं आगे, ओके बराबर समझने का, ये समीकरण है 2H2S, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो H2S होता है इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड। मैं यहाँ साइड में भी लिख देता हूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड अंडा वाले ना, अंडा अंडा को आधा फोड़ देना, अब फोड़ के या तो पूरा गिलास में डाल देना या तो ऐसे रख देना और उसको ढक के ना एक आध दो हफ्ता रख देना, उसका जो स्मेल आएगा ना वही हाइड्रोजन सल्फाइड है। लड़कियाँ लोग थोड़ा मजबूत रहे तो सूंघना, नहीं तो मत सूंघना, अरे नहीं तो वो गिर जाएंगे वहीं पे। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का स्मेल क्या होता है वो बता रहा हूँ, सर मतलब आप खाते हो क्या, नहीं हम लोग भी लैब में ही चेस्ट किए थे, ओके ना, वो पहला दिन था और वो आखिरी दिन होगा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सुबह सुबह स्कूल जाते वाह क्या सो रिलैक्स सो ब्रीद सो सिंपल एकदम, और दोपहर में 11-12-1 बजे आते आँख जलता है, ऐसा लगता है काश यहीं घर, एक कदम आगे बढ़ने का हिम्मत अब नहीं हो रहा है, क्योंकि उस सुबह गाड़ी मोटर अलमोस्ट नाक के बराबर है, रात भर बंद था या 2-3-4 घंटा बंद था तो, लेकिन जब उसके बाद 10-11 बजे के बाद तो लगातार गाड़ी चलते रहते हैं तो उससे जो धुआँ निकल रहा है उस धुएँ के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैस हैं, उसकी वजह से हमारे आँखों में जलन होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो सल्फर जो है उसको जलाने से अरे प्रदूषण होता है, और प्रदूषण हमारे आँखों को इचिंग, आँखों को इचिंग करना मतलब जलना, आँख खुजलाना, सर दर्द देना, ये सब बीमारी आता है सल्फर डाइऑक्साइड से, ओके। अब है क्या देखो, तो 2H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के 2 अणु और सल्फर डाइऑक्साइड के 1 अणु, ओके, ये दोनों को जोड़ दिया। अब देखो इसमें से ये वाला और ये देखना, सल्फर डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो रहा, गायब हो गया। जब सल्फर डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन गायब होता है तो क्या होता है, देखो ऑक्सीजन का त्याग करना, अच्छा ऑक्सीजन त्याग कर, ऑक्सीजन त्याग करने में क्या बोलते हैं अवकरण बोलते ना, यानी इसमें अवकरण की क्रिया हो रहा है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को त्याग कर रहा है, ऑक्सीजन जब त्याग कर रहा है इसका मतलब अवकरण है। और दूसरा इसमें देखो, ये दोनों में H2S, इसमें से हाइड्रोजन गायब होकर खाली क्या बच गया, सल्फर बच गया ना, H2S H3, जब आगे 2 होता है ना इसका मतलब होता है हाइड्रोजन को 2 और सल्फर को भी 2, इसका मतलब होता है खाली हाइड्रोजन को 2, लेकिन जब आगे लिखते हो मतलब ये 2 इसके लिए भी और इसके लिए, आगे नंबर आएगा मतलब सबके लिए फिर, ठीक है ना, तो ये 2 × 2 = 4, हाइड्रोजन 2 × 2 = 4 है, सल्फर कितना है 2 है, ये 2 × 2 = 4 ना, और है सल्फर 2, वहाँ 3 दिया हुआ है क्योंकि वो एक सल्फर यहाँ से भी एडजस्टमेंट हुआ रहेगा,
पर यहाँ देखो तो इसके में से क्या हुआ है, हाइड्रोजन गायब हो गया, खाली क्या बच गया, सल्फर बच गया। हाइड्रोजन गायब, गायब होना मतलब त्याग करना, तो हाइड्रोजन का त्याग हुआ। हाइड्रोजन त्याग करने में क्या होते, ऑक्सीकरण। इसका मतलब इसमें ऑक्सीकरण भी हो गया और ऊपर देखो अवकरण भी हो गया, एक ही समीकरण में दोनों क्रिया हो गया, इससे क्या बोलते हैं हम लोग, रिडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ देखो ये वाले में देखेंगे तो हाइड्रोजन मुक्त हो गया, खाली क्या बचा, सल्फर बचा। वो टेंशन मतलब कि तीन है कि दो है, उससे सर यहाँ तो दो है तो तीन कैसे आ गया, और आसानी अभिक्रिया हो गया, ये सल्फर बचा वो भी उसमें जुड़ेगा, ओके ना। तो आपको टेंशन नहीं होती, खाली इतना ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन अलग होकर सल्फर बच गया, यानी हाइड्रोजन का त्याग हुआ। हाइड्रोजन त्याग हुआ मतलब ऑक्सीकरण। ए वाले में से सल्फर अलग होकर ऑक्सीजन अलग कर दिया, ये सल्फर इधर मिल गया ना और ऑक्सीजन अलग हो गया, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन त्याग किया। ऑक्सीजन त्याग किया मतलब अवकरण। तो एक ही रासायनिक क्रिया में ऑक्सीजन का त्याग भी हो रहा है जिसकी वजह से अवकरण हो गया, और फिर हाइड्रोजन का भी त्याग हो रहा है इसलिए वो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हुआ। इसलिए इसे कौन सा क्रिया बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो रहा है, बराबर है। एक और देखो MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ने यहाँ मैग्नीशियम का Mg होता है, Mn है मैग्नीज, मैग्नीज ऑक्साइड, और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और 4HCl, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल। यहाँ देखो MnO2, अब ये MnO2 में से खाली Mn बच रहा है ना, और O2 गायब हो गया, यानी O2 का त्याग हुआ। O2 के त्याग को क्या बोलते हैं हम लोग, अवकर। ए कौन भाई, क्या भाई, O2 का त्याग हुआ मतलब अवकरण। और यह देखो HCl था, ओके, तो क्लोरीन अगर ये हाइड्रोजन तो है यहाँ पर, और प्लस इसमें ऑक्सीजन भी जुड़ गया ना, 4HCl देखो 4H ना, दो दो चार इधर H है, और प्लस ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को जोड़ के क्या बना लिया, पानी बनाया ना, H2O पानी है ना, तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ग्रहण करके क्या बना लिया, पानी बना लिया, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रहण हो रहा है। हाइड्रोजन के ग्रहण होने की वजह से क्या हुआ, ये ऑक्सीकरण की क्रिया हुआ, इसमें से ऑक्सीजन गायब हुआ, ओके, तो वो अवकरण हो गया, और ये हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ग्रहण करके पानी बना लिया, पानी मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के ना, तो इस हाइड्रोजन ने क्या किया, वो क्लोरीन छोड़ दो, क्लोरीन उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, ओके, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ग्रहण करके पानी बना लिया, इसलिए क्रिया क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो ऊपर अवकरण भी हो गया, इधर क्या हो गया, ऑक्सीकरण, एक ही रासायनिक क्रिया में दोनों हो गए, इसलिए क्या होगा, ये रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो ये दो समीकरण है जहाँ पे अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक। तब पॉज करो सर उसको, पेज नंबर 43 पे आगे बच्चों, 43 है, इस समय क्या बोलूँ ना, एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा है पगल, ओके ना। ग्रीन वाला बॉक्स नीचे दिया रहे, वो दिख रहा है, हाँ। परमाणुओं पर या आयनों पर धन आवेश बढ़ता है या ऋण आवेश कम होता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये परिभाषा एक है, हाँ, परमाणुओं पर कलम में पड़े इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना, जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन कौन सा आयन होता है, माइनस होता है, ऋण होता है, जब ऋण कम होते जा त्याग हो रहा ना मेरा, तो मेरा ऋण कम होगा तो धन बढ़ेगा। मैं कहीं से कर्जा लिया हूँ, मेरा कर्जा मैं जो लिया हूँ कर्जा धीरे धीरे पे कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे मेरा कर्जा कम हो रहा ना, एक वक्त एकदम जीरो हो जाएगा कर्ज, उसके बाद जो कमाऊँगा वो क्या होगा, मेरा बचेगा ना, तो मेरा ही पैसा रहेगा, तो ऋण, ऋण यानी कर्ज, तो ऋण कम होते जाएगा तो धीरे धीरे धन बढ़ेगा। तो उधर दिया हुआ है, परमाणु पर या आयनों पर धन आवेश बढ़ता है या ऋण आवेश कम होता हो, जब किसी परमाणु या आयन पर क्या होना चाहिए, धन आवेश का बढ़ना और ऋण आवेश का घटना, इसे ऑक्सीकरण कहते हैं।
धन आवेश बढ़ेगा। धन आवेश कब बढ़ेगा? जब इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो धन आवेश बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हम लोग पढ़ चुके सेकेंड चैप्टर में, ऊपर से नीचे जाने पे या बाएं से जाने पे धातु गुणधर्म बढ़ता है घटता है, वो वाला था ना, उसमें ही था कि धातु। तो जब इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो धन आयन बढ़ेगा। ओके, और इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है तो धन आयन बढ़ना, जब कोई चीज़ का धन बढ़ता है मतलब ऋण वाला घटता है, उल्टा होगा अपोजिट। ओके, तो धन आवेश का बढ़ना या ऋण आवेश का घटना, ये कौन सा है? ऑक्सीकरण है। अब इसी का उल्टा कर दो, जब धन आवेश बढ़ रहा हो और ऋण आवेश घट रहा हो तो हो गया ऑक्सीकरण। इसका उल्टा क्या रहेगा? धन आवेश कम हो रहा हो और ऋण आवेश बढ़ रहा हो तो इसे क्या बोलते हैं? अवकरण या अपचयन। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक परिभाषा है। कभी रिक्तस्थान में आ गया इस टाइप का कि किसी तत्व में या धातु में ऋण आवेश घट रहा हो तो उसे डैश कहते हैं। तो ऋण आवेश का घटना ऑक्सीकरण, या धन आवेश का बढ़ना ये भी क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो पड़े, ऑक्सीजन ग्रहण करना या हाइड्रोजन त्यागना, हो तो एक परिभाषा ही। इसके अलावा धातुएं धन आवेश का बढ़ रहा, धन आवेश बढ़ रहा हो और ऋण आवेश घट रहा हो इसे भी ऑक्सीकरण कहते हैं, या फिर धन आवेश कम हो रहा हो और ऋण आवेश बढ़ रहा हो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? अवकरण। ठीक है बच्चों, तो उसके नीचे दिया हुआ है, जब धन आवेश कम होता हो और ऋण आवेश बढ़ता हो उसे हम लोग कहते हैं अपचयन। मिला कहीं पे? पक्का? ओके। इधर दिया Fe is equal to FeO। मिला कहीं पे? FeO। Fe मतलब आयरन, हो गया आयरन ऑक्साइड। ओके, तो आयरन ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, ये हो गया था ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया, ऑक्सीजन ग्रहण किया ना। अब Fe ऑक्साइड था, आयरन ऑक्साइड था, अब ये ऐसा तिरेका किया हुआ है, Fe ऑक्साइड में से ऑक्सीजन गायब होकर क्या बच गया खाली? उल्टा देखो, अब ऐसा ना FeO, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड मतलब जंग लगना, जब लोहे में जंग लगता है आयरन ऑक्साइड, तो उस पर लेड ऑक्साइड लगाया जाता है। सुनो, लेड ऑक्साइड नहीं, जब भी लोहे का काम करते हैं वो पहले चॉकलेटी रंग का कलर लगाते हैं ना, फिर ब्लैक कलर लगाते हैं, वो जो चॉकलेटी रंग का लगता है चॉकलेट नहीं है, वो ये लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड लगाया जाता है ताकि हवा से उस लोहे धातु का कोई क्रिया ना हो और जंग ना लगे। कौन सा जंग? इंडिया पाकिस्तान नहीं। तो FeO। अब उसके आगे और क्या दिया हुआ है? Fe2O3। ये है जंग का अणुसूत्र, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। अभी आगे काम आएगा अपने को Fe2O3। ये जंग का अणुसूत्र होता है। जंग मतलब इंडिया पाकिस्तान के जंग का अणुसूत्र नहीं, लोहे वाला जंग। ओके, ये टिक कर लो तो ग्रीन वाला बॉक्स भी पॉज करो सर उसको। क्षरण का मतलब घिसना कोई चीज, किसी चीज़ की परत जब लगातार यूज करते रहेंगे तो क्या आएगा? वो घिसेगा। ओके, आज देखते हो दुनिया की ज़्यादातर 70% चीज़ें सब लोहे से ही बन रहे। ओके, लोहे के ब्रिज, लोहे के रेलवे ट्रैक, खिड़की, दरवाजा, ऐसे ऐसे ऐसा दिख रही है। ओके ना, लोहे के नीचे का बेंच भी है भाई। हाँ, तो ये सब लोहे से ही बन रहे हैं। अभी मेट्रो ट्रेन, अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन बन रहा है, तो उसमें सुरंग तो भी लोहे के, एक्चुअली एकदम लोहे नहीं है। ओके, तो लोहे से बन रहा है। अली एलिफेंटा में 70 सालों बाद लाइट पहुंचा है उधर, धन्य हो मोदी साहब जी का। या ये भाई क्या बोले, हमारे देश में आज़ादी के बाद कांग्रेस भैया 70 साल हो गए एलिफेंटा में लाइट नहीं था। वो तो हम लोग दिन में जाते हैं ना खाली, तो हम लोग को पता ही नहीं, और बैटरी वैटरी से चार्ज करके चलाते हैं। इस बार भी समुद्र के अंदर से केबल का वायर डाले
और वो वायर मतलब अब समुद्र के अंदर है तो पानी उन्हीं से बचाने के लिए वायर को ओके तो इस तरह से बनाया गया है कि वो जल्दी सड़े ना, वायर ख़राब ना हो। तो दैट मीन्स यार क्षरण, जब भी जो लोहे की चीज़ें होते हैं उसको जब खुला रखेंगे तो हवा से क्या करेगा, वो क्रिया करेगा, पानी से क्या करेगा, क्रिया करेगा। अब पानी में भी क्या होता, ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन मतलब हवा। जब भी लोहा ऑक्सीजन या पानी से क्रिया करता है तो ओके, तो उस पर धीरे धीरे चॉकलेटी रंग का परत चढ़ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, जंग होता है, जंग लगता है ना। दिवाली वाले में हम लोग या ईद उद में कलर करते घर पे तो क्या वो पेपर से पॉलिश करते हैं ओके, या कभी कभी वाइट कपड़ा पहने रहो, लोहे के बैठे रहो, उसके लिए मज़ा आ जाता है, अच्छा अच्छा डिजाइन बनता है ओके। फिर वो बूढ़ों को बुलाना पड़ता है, आप भी घड़ी लेते हैं, पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर वो पकाते थे बूढ़ों। ठीक है, चले बच्चों हम लोग पेज नंबर 44 पे आ गए। मैं देखो जहाँ बोल रहा हूँ, जंग लगने का अध्ययन करना, मिला कहीं पे, उसके नीचे आ जा डायरेक्टली इधर को धातु के पृष्ठभाग पर, उधर एक सूत्र दिया है उसके ऊपर मिला, देखो मेरे हाथ देखो ना, इधर देखो, तो धातु के पृष्ठभाग पर लाल भूरे रंग की ठोस रूप में परत जमा हो जाती है, इसे ही जंग कहते हैं। धातुओं के पृष्ठ पर, धातु के ऊपर क्या होता है, लाल भूरे रंग मतलब बोलो चॉकलेटी रंग, लाल भूरा मतलब चॉकलेटी ना, भूरा रंग सुने हो, भूरा मतलब चॉकलेटी, ए बिहारी लाल चॉकलेटी, हाँ हाँ, लाल भूरे रंग की ठोस पर रूप में परत जमा हो जाए, परत बता रहे उसके ऊपर एक लेयर जमा हो जाना ओके, इसे क्या कहते हैं, जंग। मैं तो सुना था इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो जंग हुआ था 1999 में 71 में, वो सब जंग है, वो अलग जंग है, ये अलग जंग है। इसका रासायनिक अणु सूत्र Fe2O3.H2O, अभी बोला था आपको Fe2O3 जंग है ओके, और .H2O क्योंकि वो पानी से क्रिया करके जंग लगता है ओके। तो जो भी चीज़ ऐसे जो खुला रहता है, जैसे अभी ग्रिल है, रेलवे ट्रैक है, पॉज करो भाई, चलो। तो कभी आ गया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, जंग का अणुसूत्र डैश है Fe2O3.H2O ओके, Fe2O3.H2O ये जंग का अणुसूत्र ओके। चलो मैं लोहे पर जंग सीधे हवा की ऑक्सीजन से लोहे पे पृष्ठभाग पर अभिक्रिया होकर तैयार नहीं होता है, ये जंग विद्युत रासायनिक अभिक्रिया से निर्माण होता है। तब क्या होता है, कोई भी चीज़ का जब धातु होता है वो हवा के जो ऑक्सीजन है ओके उससे रासायनिक क्रिया होता है। तो लोहे पर जंग सीधे हवा की ऑक्सीजन की लोहे के पृष्ठभाग से अभिक्रिया होकर तैयार नहीं होता, मीन्स ऐसा नहीं कि कोई चीज़ आ रही संपर्क किया और जंग लग जाएगा, नो, उसके भी क्या होता है, हवा और लोहे का भी क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता रहेगा। हम सोच हमको तो लगता है खाली क्या है, लोहा पानी में हवा में ऐसा खुला हुआ है इसलिए वो जंग लग गया, नो, जबकि क्या हुआ है, ऑक्सीजन और लोहे का क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लोहे की चीज़ों पे पेंट करते, ऑयलिंग करते, ग्रीसिंग करते ना, क्यों, ताकि जंग ना लगे, लोहे की चीज़ पे करते ना पेंट भाई, हाँ, ताकि जंग ना लगे ओके। तो हमारे आँखों को या हम आम बोल चाल की बात करते बोलते भाई हवा पानी होने की वजह से जंग लग गया, लेकिन पानी की वजह से डायरेक्ट जंग नहीं लगा, बल्कि वो क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है ओके। लोहे के पृष्ठभाग पर अलग अलग भाग में धनाग्र और ऋणाग्र बनते हैं, और धनाग्र भाग में एनोड के पास Fe का ऑक्सीकरण होकर Fe2+ बन रहा है। तो देखो इधर क्या दिया हुआ है, धनाग्र और ऋणाग्र, पहले क्या होता है धनाग्र और ऋणाग्र, धनाग्र धन का अग्र भाग, धन प्लस अग्र है, तो दो पार्ट होते हैं, जब आप वो बैटरी देखते हो उसमें प्लस और माइनस लिखा रहता है, हाँ, तो प्लस वाला है धनाग्र और जो माइनस वाला है वो ऋणाग्र है। बैटरी वाला बैटरी, ये वाला बैटरी नहीं, इसको भी बोलते बैटरी लोग ना, वो वाला नहीं, तो ओके प्लस और माइनस, तो प्लस है जो धनाग्र, उसको तो इंग्लिश में कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड। तो क्या हो रहा है, उधर पे दिया हुआ है Fe, वो S क्या है, धातु ठोस, ए बन जा रहा है Fe2+, और प्लस उसके दो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे,
अभी Fe लोहा था, ओके, उस पर क्या आ रहा है Fe2 धन आयन। जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तो क्या होगा, धन आयन बनाएगा, इसे देखो 2 प्लस लिखा होता है बिना किताब में। और Aq क्या है, Aq क्या है, घोल, जली विलयन। Aq मतलब एक्वा, जली विलयन। तो लोहा पानी से घुल कर क्या हो रहा है, उसका घोल की तरह निर्माण, जली विलयन का निर्माण कर रहा है। तो Fe इक्वल टू क्या रहा है, Fe 2 प्लस है, उसके दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, मुक्त हो गए। इस तरह से दिया धनाग्र भाग से में एनोड के पास Fe का ऑक्सीकरण होता है और Fe 2। अब ऑक्सीकरण क्यों हुआ, इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, अभी पढ़े थे हम लोग, इलेक्ट्रॉन मुक्त करके धन आयन बनाता है, धन आयन बढ़ता हो तो भी क्या है, ऑक्सीकरण है। अभी वो ग्रीन वाले बॉक्स में पढ़े ना भाई, ओके, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बना रहा है, तो इसे भी ऑक्सीकरण कहते हैं। तो धनाग्र पर क्या था, एनोड के पास Fe का ऑक्सीकरण होता है और Fe 2 प्लस, वो 2 प्लस क्या आ रहा है, धन आयन, ओके, धन आयन का निर्माण करता है। जबकि ऋणाग्र क्या है, ऋणाग्र यानी कैथोड है, तो ऋणाग्र भाग में कैथोड के बाद ऑक्सीजन का क्या था, अपचयन का क्या पता, पानी का निर्माण करता है, ओ2 प्लस 4 हाइड्रोजन। अब ओ2 प्लस 4 हाइड्रोजन देख लो इधर पे, ओ2 और 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 2 है, कुछ कॉमन है, दो कॉमन ले लूँ तो दो दूनी 4 और दो एकम 2, पानी बन गया ना, H2O पानी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि धनाग्र पर क्या आता है, ऑक्सीकरण होता है, और ऋणाग्र पर क्या आएगा, अवकरण, अवकरण को बोलते हैं हम लोग अपचयन। तो ऋणाग्र के भाग पर कैथोड के पास O2 का अपचयन होता है और क्या बनता है, पानी बनता है। तो दे दिया O2 प्लस 4H, O2 क्या है, ऑक्सीजन, ओ जी क्या दिया सर, गैसीय अवस्था में, 4H, Aq क्या दिया है, एक्वा, जली विलयन, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ओके, इलेक्ट्रॉन अब ग्रहण कर दो, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या हो गया, ऐसा करो O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू बन गया 2H2। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते, आप बताओ मेरे को इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है तो धन आयन बनेगा कि ऋण आयन बनेगा, ऋण आयन बनेगा। इलेक्ट्रॉन त्यागते तो धन आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते तो ऋण आयन बनते हैं, और ऋण आयन क्या है, ऋण आयन बन रहा है, अपचयन है। अभी वो ग्रीन वाले बॉक्स में था कि धन आयन बढ़ता है तो ऑक्सीकरण, और ऋण आयन बढ़ता है तो अवकरण, अपचयन, ओके, इसमें कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, अपचयन अवकरण एक ही वर्ड है दोनों, ठीक है। तो दो है, धनाग्र और ऋणाग्र, धनाग्र पर ऑक्सीकरण होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है, और ऋणाग्र पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए क्या बना रहा है, वो अवकरण बना रहा है, ओके। बस यहाँ तक टिक कर लो, तो ये दोनों पॉइंट तक, ये समीकरण तक मिला कहीं पे, 2H2 है ना, 2H2 तक, वहाँ तक। तो एग्ज़ाम में आ गया कभी जंग किसे कहते, उस पर टिप्पणी लिखो, तो धातु के पृष्ठभाग पर ठोस रूप पर जो परत जमा हो जाता है उसे क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, Fe2O3H2O है, बराबर। अब क्या होता है, जो जंग होता है वो हवा के ऑक्सीजन से सीधे रासायनिक क्रिया नहीं करता है, मतलब सीधे कोई क्रिया नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, वो विद्युत रासायनिक क्रिया होता है उस पर, ओके। और उस पर दो जो धनाग्र और ऋणाग्र है, धनाग्र पर क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाएगा, ऑक्सीकरण, और ऋणाग्र पर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और वो पानी का निर्माण कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, वो अपचयन या अवकरण हो गया। ये क्रिया है पूरा जंग की परिभाषा का। तो एग्जाम में जंग पे दो मार्क का टिप्पणी लिखने आएगा तो हमको पूरा लिखना पड़ेगा। खाली जंग किसे कहते करने आएगा तो क्या लिखोगे, पहला लाइन हो है ना, जंग किसे कहते हैं, धातु के पृष्ठ भाग पर ठोस रूप पर जमा तो उससे बोलते हैं जंग। एक नंबर का आएगा तो उतना ही लिखना है, लेकिन दो नंबर का टिप्पणी लिखने आया तो दोनों समीकरण में लिखना है, ठीक है। पॉज करो उसको सर।